नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। हलाली डैम में डूबे तीनों व्यक्तियों के शव हुए बरामद। अंधेरा होने के कारण कल रात रोक दिया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिला दूसरा शव। 10 बजे के लगभग एसटीआरएफ ने किया तीसरा शव बरामद। जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। परिजनों ने हलाली डैम के पास किया हंगामा। चक्का जाम करने का भी किया गया प्रयास। सभी मृतक भोपाल निवासी। मृतक पिता पुत्र शहजनाबाद और एक मृतक आरिफ नगर भोपाल का निवासी है। एएसपी समीर यादव ने सभी शव बरामद होने की पुष्टि की। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीएसपी। करारिया थाने में हुआ मर्ग कायम। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव। कल भोपाल से पिकनिक मनाने एक परिवार हलाली डैम पहुंचा था और उसी दौरान तीन व्यक्ति गहरे पानी में डूब गए, जिनमें पिता वसीम खान और उनके 15 वर्षीय पुत्र रिहान खान निवासी शहजनाबाद और अन्य व्यक्ति भूरा उर्फ शकील खान निवासी आरिफ नगर भी शामिल थे। एएसपी समीर यादव ने घटना और शवों के बरामद होने की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी शवों को विदिशा जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। शव परिजनों को सौंपे जाने की कार्यवाही चल रही है। तीसरा शव बरामद होने के दौरान परिजनों ने डैम पर हंगामा किया। चकाजाम की तैयारी की जा रही थी। एसडीएम गोपाल वर्मा और सीएसपी विकास पांडे की समझाइश के बाद हंगामा शांत हुआ। वहीं एएसपी ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। जिला विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, मुकेश चतुर्वेदी। Thank you.